हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एक मिनी वाटर टरबाइन जनरेटर बनाकर दिखाने वाले हैं, जिसकी मदद से हम पानी से लाइट यानी कि बिजली बना सकते हैं और उस बिजली को आप अपने हिसाब से यूज में ले सकते हो। और जो हमारे घरों में बिजली आती है वो भी कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। तो इस हम मिनी वाटर टरबाइन जनरेटर को किस तरीके से बनाने वाले हैं, तो आइए फिर अपनी वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक मिनी एग्जॉस्ट फैन लेना है, जो कि आपको नया लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके हमें ओनली प्रोपेलर का ही काम है। तो इसके प्रोपेलर को क्या करना है कि पेचेस की मदद से कुछ इस टाइप से निकाल लेना है, जो कि आप देख सकते हो कि इसे हमने अच्छे से निकाल लिया है। और इसके फ्रेम को हम रख दे रहे हैं साइड में, और जो हमारा प्रोपेलर है इसकी साइज को हमें नाप लेना है, जो कि आप देख सकते हो ये 3 इंच का है। और इसके बाद हमें लेना है एक 3 इंची PVC पाइप, और इस पाइप को हमें क्या करना है कि स्किल की मदद से इस पर हमें करीब 8 से 10 सेंटीमीटर पर एक मार्किंग लगा देना है। और मार्किंग लगाने के बाद हमें एक पेपर को लेना है, और इस पेपर को इस पाइप के चारों तरफ हमें कुछ इस टाइप से लपेट देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पेपर को इस पाइप पर क्यों लपेट रहे हैं, इससे क्या होगा कि फ्रेंड्स इसके चारों तरफ हमें गोल मार्किंग लगाने में आसानी होगी। तो हम मार्कर की मदद से हमें क्या करना है कि इस पेपर के किनारे किनारे पर कुछ इस टाइप से हमें मार्किंग लगा देना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने पाइप के चारों तरफ अच्छी तरीके से मार्किंग लगा लिया है। अब इसे क्या करना है कि हिक्सा ब्लेड की मदद से कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स इसे हम फटाफट से कट कर लेते हैं, तब तक आप वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो हमने पाइप को तो अच्छी तरीके से कट कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा प्रोपेलर है इस प्रोपेलर को इसके अंदर फिक्स करना होगा। तो ये बड़ी साइज का है तो फिक्स नहीं हो रहा है, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे हमें क्या करना है कि एकदम सीधा कुछ इस टाइप से कट कर लेना है, और कट करने के बाद हमें क्या करना है कि इस पाइप को एक के ऊपर एक कुछ इस टाइप से चढ़ा देना है। और इसे चढ़ाने के बाद जो हमारा प्रोपेलर है इसके अंदर साइड कुछ इस टाइप से फिक्स कर लेना है, और जो इसका एक्स्ट्रा पाइप है उसको हमें क्या करना है कि मार्कर की मदद से मार्किंग लगा देना है। और इसी टाइप से इसकी दूसरी साइड पर भी हमें मार्किंग लगा देना है, और मार्किंग लगाने के बाद इसे ऊपर साइड से थोड़ा हल्का हल्का मार्किंग कर देना है, ताकि हमें एक सीधी लाइन खींचने में आसानी हो। तो हमें मार्किंग करने के बाद हमें स्किल की मदद से एक सीधी लाइन खींच देना है कुछ इस टाइप से, और इसे भी हमें क्या करना है कि हिक्सा ब्लेड की मदद से कट कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि इसे हमने अच्छी तरीके से कट कर लिया है। अब इसे क्या करना है, कुछ इस टाइप से इसे चिपकाना होगा। तो हमें क्या करना है कि इस पाइप के किनारे पर कुछ इस टाइप से फेविक्विक लगा देना है, और फिर इस पाइप को इस तरीके से चिपका लेना है। तो हमने पाइप को चिपका दिया है, अब इस पर हम और फेविक्विक को लगा दे रहे हैं, ताकि जो हमारा पाइप है मजबूती से चिपका बना रहे। तो इसे दोनों साइड से इसे हमने अच्छे से चिपका लिया है। अब जो हमारे एग्जॉस्ट फैन की प्रोपेलर है इसे क्या करना है कि इस पर कुछ इस टाइप से उल्टा हमें फिक्स कर लेना है, और ये ऐसे ही फिक्स बना रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इस पर हमें फेविक्विक लगा करके इसे अच्छे तरीके से चिपका लेना है, और चिपका लेने के बाद इसे रख देना साइड में। और फिर हमें लेना है एक डायनामो मोटर, जो कि फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन 200 रुपये में आसानी से मिल जाएगी, और ये 5 वोल्ट से लेकर 38 वोल्ट तक पावर निकाल देती है, जो कि हमारे जनरेटर का काम करेगा। और फिर हमें ले रही है एक लकड़ी का पटिया, जिसमें कि हमने 2 बड़े बड़े होल कर लिए हैं। ये हमने होल इसलिए किए हैं ताकि जो हमारी मोटर है इसमें हम इसे फिक्स कर सकें। तो इसे फिक्स करने के लिए हम एक क्लिप ले रहे हैं, जो कि आपको मार्केट में 10 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। और इस क्लिप को क्या करना है कि इस होल पर कुछ इस टाइप से निकाल करके और दूसरे होल से निकाल लेना है, और फिर इसमें अपनी मोटर को फिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि हमने मोटर को अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है। और इसके बाद हमें लेना है एक खराब पेन, और इस पेन को करीब इतनी साइज से इसे कट कर लेना है। तो इसे कट करने के लिए हम एक सबलेट का यूज़ करेंगे, और इसकी मदद से हमने इसे कट कर लिया है। और जो हमारा पेन का टुकड़ा है ये मोटर की शाफ्ट पर फिक्स करना होगा। तो हमें क्या करना है कि मोटर की शाफ्ट की साइज का इस पर हमें एक होल कर लेना है। तो हमने सोल्डर आयरन की मदद से होल कर लिया है, और इस पर हमें क्या करना है कि थोड़ा सा फेविक्विक लगा देना है, और फेविक्विक लगाने के बाद इसे मोटर की शाफ्ट पर फिक्स कर देना है और अच्छी तरीके से चिपका लेना है। तो इसे हमने अच्छी तरीके से चिपका लिया है। और इसके बाद हम ले रहे हैं मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर वाला वायर, और ये आपको मोटरसाइकिल रिपेयरिंग यानी कि फ्रंट सर्विस सेंटर पर आपको ये फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि आपको ये नया लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ख़राब भी चल जाएगा। और इसे क्या करना है कि दोनों सिरों में से किसी भी एक सिरे को कट कर लेना है, तभी ये बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो इसे हमने कट कर लिया है, और उसके दूसरे वाले सिरे से हम कुछ इस टाइप से इसे हम खींच करके निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने इस वायर को बाहर निकाल लिया है। और इस वायर को क्या करना है कि जो हमने
पेन फिक्स किया था मोटर के शाफ्ट पर, उसके दूसरे वाले सिरे पर कुछ इस टाइप से इस वायर को कनेक्ट करके और इसे क्या करना है कि फेविक्विक लगा करके इसे अच्छी तरीके से चिपका लेना है। तो आप देख सकते हो कि इसे हमने अच्छी तरीके से चिपका लिया है और इस वायर के दूसरे वाले सिरे पर हमें एक और पेन के टुकड़े को कुछ इस टाइप से फिक्स करके और इसे सुपर ग्लू की मदद से चिपका लेना है। और फिर जो हमने पाइप पर पेन फिक्स किया था उसके मिडल पर हमें इसे कुछ इस टाइप से चिपकाना होगा। तो हमें क्या करना है कि इसके मिडल पर हमें फेविक्विक लगा देना है और फिर इसे कुछ इस टाइप से अच्छी तरीके से चिपका लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो इसे हमने अच्छी तरीके से चिपका लिया है। अब जो हमारा फैन है ये कुछ इस टाइप से घूमेगा तो जो इसके साथ हमारी मोटर भी घूमेगी क्योंकि इसमें हमने वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब हमें इसके प्लस माइनस को पता कर लेना है। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर के दोनों पॉइंट को मोटर के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर दे रहे हैं और जैसे ही हम मोटर को घुमाते हैं तो आप देख सकते हो कि इसका वोल्टेज माइनस में आ रहा है। अब हम इसके दोनों पॉइंट को चेंज कर दे रहे हैं और जैसे ही हमने चेंज किया इसका वोल्टेज प्लस में आने लगा है, यानी कि जो हमारे मोटर का उस साइड वाला टर्मिनल है वो प्लस है और इस साइड वाला माइनस। और इसके बाद हम एक 2200 UF 25 वोल्ट का कैपेसिटर ले रहे हैं जो कि फ्रेंड इसकी छोटी वाली लेग है वो माइनस है और इसकी जो बड़ी वाली लेग है वो प्लस है। तो इसकी बड़ी वाली लेग यानी कि प्लस को क्या करना कि मोटर के प्लस वाले टर्मिनल से कनेक्ट करके सोल्डरिंग कर देना है और माइनस को माइनस से। तो आप देख सकते हो कि दोनों को हमने अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर दिया है और इसमें हमने दो वायर को भी सोल्डरिंग कर लिया है और ये हमारा वाटर टरबाइन जनरेटर बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फिर हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो हम आ गए हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी बराबर बहता रहता है और ये बहते ही पानी में हमारा टरबाइन काम करेगा। तो जो हमारा टरबाइन है इसे पानी में डाल देना है और जो हमारी मोटर है यानी कि जनरेटर इसे हमें ऊपर साइड में कुछ इस टाइप से रख देना है और जो हमारा टरबाइन है जैसे ये घूमेगा तो इसमें हमने वायर को कनेक्ट किया है, वायर की मदद से हमारी मोटर भी घूमेगी। तो आप देख सकते हो कि हमारी मोटर अच्छी तरीके से घूम रही है। अब हम इसके आपको वोल्टेज चेक करके दिखा दें कि ये कितने वोल्टेज तक निकाल रहा है। तो हमने मल्टीमीटर को कर दिया है ऑन और अब हम इसके दोनों वायर को मल्टीमीटर के दोनों पॉइंट से जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हो कि जो हमारा मल्टीमीटर है उसके अंदर देख सकते हो कि ये 4 से लेकर 5 वोल्ट तक आराम से निकाल दे रहा है। अब हम इससे कुछ जला करके देखते हैं जैसे कि LED मोटर और भी काफ़ी सारी चीज़ें। हमारे पास एक LED प्लेट और इसे हम जला करके देखते हैं कि जो हमारा जनरेटर है इसे जला पाता है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी LED प्लेट है अच्छी तरीके से जल रही है और इसकी कुछ LED ख़राब है जो कि नहीं जल रही है, बाकी की ये मस्त तरीके से जल रही है। अब हम ले रहे हैं एक 9 वोल्ट की मोटर और इसे हम चला करके देखते हैं कि जो हमारा जनरेटर है इसे चला पाता है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि ये मोटर को भी अच्छी तरीके से चला पा रहा है और फ्रेंड्स हमारा जो वाटर टरबाइन जनरेटर है ये अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है और ये कोई भी फेक वीडियो नहीं, एकदम रियल वीडियो है और ये पानी से आपको लाइट बनाकर दिखा रहा है। और जो हमारे घरों में लाइट आती है वो भी कुछ इसी तरीके से बनती है, बस उसके बड़े बड़े टरबाइन और जनरेटर होते हैं जिसकी मदद से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलती है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।